हेलो फ्रेंड्स, मैं अंगूर, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनाइटेड एग्जाम पर। आज है 31 जुलाई 2020 और 31 जुलाई 2020 से टॉप करंट अफेयर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर ने मैनुअल क्लीनिंग के लिए रोबोट बेंडिकॉट खरीदा है? तो अभी हाल ही में जो गुवाहाटी है, कौन है गुवाहाटी, इसने जो मैनुअल सफाई के लिए, मैनुअल की जो सफाई होती थी इसकी समाप्ति करने के लिए गुवाहाटी है उसने अपना पहला मैनुअल क्लीनिंग रोबोट खरीदा है। और ये आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, ये पहला मैनुअल क्लीनिंग रोबोट है, इसका नाम है बेंडिकॉट है। इसका नाम बेंडिकॉट नामक एक रोबोट गुवाहाटी नगर निगम यानी GMC द्वारा खरीदा गया। जो गुवाहाटी नगर निगम है इसके द्वारा बेंडिकॉट रोबोट खरीदा गया है, जो मैनुअल सफाई होती उसको समाप्त करने के लिए। जो बेंडिकॉट रोबोट है विश्व में अपनी तरह का पहला भी रोबोट है और साथ ही इसे जिनरोबोटिक्स नामक एक स्टार्टअप इंडिया कंपनी द्वारा विकसित किया गया था। यानी जो एक जिनरोबोटिक्स नामक एक कंपनी है उसके द्वारा इसे विकसित किया गया था बेंडिकॉट को, और यह अपने आप में एक अलग ही रोबोट है। यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अभी गुवाहाटी ने मैनुअल क्लीनिंग के लिए रोबोट बेंडिकॉट खरीदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य एक रैपिड एंटीजन टेस्ट शुरू करने की तैयारी कर रहा है? तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं, इन्होंने मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान है, आप स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इन्होंने राज्य सरकार में एक रैपिड एंटीजन टेस्ट शुरू करने की घोषणा की। यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या जो 30,000 के ऊपर पहुंच गई है, इसीलिए जो मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर है इन्होंने रैपिड एंटीजन टेस्ट शुरू करने का घोषणा किया है। जो रैपिड एंटीजन टेस्ट होगा ये पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 2 जिलों भोपाल और मुरैना में लिया जाएगा। यानी जो रैपिड टेस्ट होगा ये मध्य प्रदेश में मुरैना और भोपाल में प्रोजेक्ट के रूप में 2 जिलों में कराया जाएगा। और इसके तहत जो मुरैना और भोपाल में 1,000 टेस्ट किट खरीदी जा रही है, यानी जो मुरैना और भोपाल रैपिड एंटीजन उसके लिए 1,000 किट खरीदी जा रही है। अब बात आई है मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल, मध्य प्रदेश के प्रेजेंट टाइम पर चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान है, प्रेजेंट टाइम पर गवर्नर लालजी टंडन थे, लेकिन इनका अभी हाल ही में कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया। इससे आनंदीबेन पटेल को, जो उत्तर प्रदेश की गवर्नर है, इनको स्थगित कर दिया है, उनके पदभार पर ग्रहण कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकार द्वारा संचालित पहले राज्य हेलीकॉप्टर सेवा को हरी झंडी दिखाई है? तो अभी हाल ही में उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने, किसने, उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने जो देहरादून के गढ़वाल पहाड़ियों से जोड़ने वाली सरकार द्वारा संचालित पहली राज्य हेलीकॉप्टर सेवा को 29 जुलाई 2020 को हरी झंडी दिखाई। यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यह पहाड़ियों में पर्यटन को बढ़ावा देगी। यानी जो राज्य सरकार ने सरकार द्वारा संचालित पहले राज्य में हेलीकॉप्टर सेवा की हरी झंडी दिखाई है, यह पहाड़ियों में पर्यटन को बढ़ावा देगी। और देहरादून नई टिहरी श्रीनगर गढ़वाल गौचर मार्ग पर उड़ान राज्य सरकार द्वारा संचालित पवन हंस लिमिटेड द्वारा संचालित उड़े देश का आम नागरिक का क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना के तहत संचालित किया गया था। यानी एक जो क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना है उड़े देश का आम नागरिक, इसके द्वारा इस योजना यानी इस हेलीकॉप्टर सेवा को हरी झंडी दिखाई गई है। अब बात आई है उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून, उत्तराखंड के प्रेजेंट टाइम पर चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत है। कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। प्रेजेंट टाइम पर गवर्नर बेबी रानी मौर्य। कौन है? बेबी रानी मौर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चीन ने किस देश के साथ हांगकांग के प्रत्यर्पण संधियों को स्थगित करने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में हांगकांग के लिए चीन के साथ, किसके साथ, हांगकांग के लिए चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा कानूनों पर यूरोपीय संघ की प्रतिक्रिया के तहत जर्मनी हांगकांग को हथियार और दोहरे उपयोग के सामने पर निर्यात बंद कर दिया है। और यह भी इसका सही आंसर हो जाएगा, कनाडा ऑस्ट्रेलिया ब्रिटेन यानी उपरोक्त सभी। यानी जो चीन है उसने कनाडा ऑस्ट्रेलिया ब्रिटेन और हांगकांग को प्रत्यर्पण संधियों को स्थगित करने की घोषणा की। यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अब बात आई है कनाडा की, तो कनाडा की राजधानी ओटोवा।
कौन सी है? ओटोवा, और इसके प्रेजेंट टाइम पे करेंसी है कनेडियन डॉलर है। कौन सी है? कनेडियन डॉलर। तो बात आई है ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, इसकी जो करेंसी है वो ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है। अब बात आई है ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन की राजधानी लंदन है, और ब्रिटेन की करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग है। कौन सी है? पाउंड स्टर्लिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 के रोकने के प्रसार को कम करने के लिए डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम का क्या नाम है? तो अभी हाल ही में जो पुणे विश्वविद्यालय है, इसने वायरस के प्रसार को रोकने या कम करने के लिए कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए एक मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम, जिसका नाम रखा गया आश्रय, इसको विकसित किया है, और इसे DIAT यानी डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित किया गया है, और यह कम लागत में पुनः प्रयोग के समाधान, यानी जो आश्रय होगा ये कम लागत में बनाया गया है, ये दोबारा प्रयोग किया जा सकता है, जिसमें एक्सेल के पास एक्शन बनकर एयरसोल को फिल्टर करने और कीटाणु रहित कोविड-19 रोगियों को उचित अलगाव को बनाए रखे जाने में मदद करेगा, ये आश्रय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने औद्योगिक विस्तार ब्यूरो, उद्योग और खान विभाग के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी हाल ही में जो गुजरात की गवर्नमेंट है, किसने? गुजरात की गवर्नमेंट है, इसने यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल के साथ जो ब्यूरो उद्योग और खान विभाग है, इसके समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह इस सहयोगी साझेदारी में राज्य में व्यापार और औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगी। इसी कारण गुजरात की गवर्नमेंट ने जो यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल है, इसके साथ समझौता किया है। अब बात आई है गुजरात की, तो गुजरात की कैपिटल गांधीनगर, गुजरात के प्रेजेंट टाइम पर चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी है। कौन है? विजय रूपानी, और प्रेजेंट टाइम पर गवर्नर आचार्य देवव्रत है। इसके जो जिलों की संख्या वो है 33 है। इसके जो राष्ट्रीय उद्यान है, मैं आपको सीक्वेंस बता रहा हूँ, सीक्वेंस याद कर लीजिए। पहला जो राष्ट्रीय उद्यान है वो वसंधरा राष्ट्रीय उद्यान है, दूसरा है ब्लैकबक राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है गिरवन राष्ट्रीय उद्यान, चौथा है समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, और इसका जो बांध है वो बांध है सरदार सरोवर बांध, जो नर्मदा नदी पर बंधा हुआ है, दूसरा है उकाई बांध जो ताप्ती नदी पर बंधा हुआ है, तीसरा है दांतीवाड़ा बांध जो बनास नदी पर बंधा हुआ है, और चौथा है कडाना बांध जो माही नदी पर बंधा हुआ है, और पांचवा और सबसे लास्ट है कमलेश्वर बांध जो हिरण नदी पर बंधा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में AMESYS इंडिया के साथ केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन द्वारा विकसित सूक्ष्मजीव परिशोधन बॉक्स का क्या नाम है? तो अभी हाल ही में AMESYS इंडिया के साथ केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन यानी CSIRO, केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन ने एक सूक्ष्म जीवात परिशोधन बॉक्स का नाम का विकसित किया है, इसका नाम रखा है सुरक्षा। क्या नाम रखा है इसका? सुरक्षा। और यह UVC प्रकाश और ऊष्मा दोनों का बॉक्स में उपयोग किया जा सकता है, और यह 10 से 15 मिनट में किसी वस्तु को सैनिटाइज कर सकता है, यानी जो सुरक्षा है, यह 10 से 15 मिनट में किसी भी चीज को सुरक्षित यानी सैनिटाइज कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र गृह मंत्रालय ने कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में योग संस्थानों और व्यायाम शालाओं को किस तिथि के साथ खोलने की अनुमति दे दी है? तो अभी हाल ही में जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, इन्होंने कंटेनमेंट जोन के बाहर के जो क्षेत्र हैं उसमें जो योग संस्थाएं और व्यायाम शालाएं हैं उनको 5 अगस्त से खोलने की अनुमति दे दी, यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उन्होंने 5 अगस्त से इसको खोलने की अनुमति दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पदार्थ उपयोग विकार और व्यसन व्यसनों के प्रबंधन के लिए मानक उपचार दिशा निर्देशों पर बुक किसने जारी की है? तो अभी हाल ही में जो स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये आपके हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन है, ये स्वास्थ्य मंत्री हैं, इन्होंने पदार्थ उपयोग विकार और व्यापार व्यसनों के प्रबंधनों के लिए मानक उपचार दिशा निर्देशों पर ई पुस्तक ई बुक जारी की है, और इस ई बुक का उद्देश्य मादक द्रव्यों के सेवन और व्यवहारिक लत से निपटना है, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, और उन्होंने हृदय कैंसर, सड़क यातायात चोट आदि जैसे गैर संचारिक विकारों के पदार्थ उपयोग के हानिकारक संबंध के बारे में बात कही, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा आत्मनिर्भर भारत स्वतंत्र भारत पर एक ऑनलाइन प्रतियोगिता आयोजित की गई है? तो अभी हाल ही में रक्षा मंत्रालय द्वारा, किसके द्वारा? रक्षा मंत्रालय द्वारा 29 जुलाई 2020 से 10 अगस्त 2020 तक MVGOY यानी माई गवर्नमेंट के समन्वय में रक्षा मंत्रालय द्वारा आत्मनिर्भर भारत स्वतंत्र भारत पर एक ऑनलाइन क्विज के आयोजन किया
किया गया, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही रहेगा। और इसमें 10 नगद पुरस्कार होंगे, इसमें पहले जो पुरस्कार होगा उसको, पहला जो विजेता होगा उसको 25,000 रुपए का होगा, दूसरा जो पुरस्कार विजेता होगा वो 15,000 रुपए का होगा, जो तीसरा होगा वो 10,000 रुपए का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने NBAG लीग में खेलने के लिए हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी हाल ही में पंजाब की गवर्नमेंट ने, किसने, जो पंजाब की गवर्नमेंट के प्रिंस पाल सिंह है, जो आप स्क्रीन पर दिख रहे हैं प्रिंस पाल सिंह, इन्होंने अभी हाल ही में NBAG लीग में खेलने के लिए हस्ताक्षर किए हैं। और जो ये प्रिंस पाल सिंह है, इन्होंने NBAG लीग के साथ हस्ताक्षर करने से पहले NBA अकादमी स्नातक हैं, और ये पेशेवर अनुबंध पर हस्ताक्षर करने वाले NBA अकादमी इंडिया स्नातक हैं, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बात आई है पंजाब की, तो पंजाब की राजधानी यानी कैपिटल चंडीगढ़, पंजाब के प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह, और प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर VP सिंह बदनौर है। कौन है? VP सिंह बदनौर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में परवेश खान का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो अभी हाल ही में जो परवेश खान का निधन हो गया, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो सैफ अली खान के बगल में है, ये है परवेश खान, और ये इनका अभी हाल ही में जुलाई 2020 में निधन हो गया, और ये एक फिल्म निर्देशन थे, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये अंधाधुन, जानी गद्दार, बुलेट राजा में अपने काम के लिए मशहूर थे, और इन्होंने मशहूर बॉलीवुड के एक्शन डायरेक्टर परवेश खान का अभी हाल ही में जुलाई 2020 में निधन हो गया, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इन्होंने अपने कैरियर में 2003 में राम गोपाल वर्मा द्वारा निर्मित अब तक 56 के साथ को भी मोड़ लिया है, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। लास्ट वीडियो का क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट वीडियो का क्वेश्चन है मेरा, हाल ही में कब अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया गया है? तो अभी हाल ही में 29 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया गया, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अभी हाल ही में 29 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया गया है। आज की इस वीडियो का क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कब विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया गया है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आपके ऑप्शंस हैं 25 जुलाई, 27 जुलाई, 28 जुलाई, ऑप्शन डी इनमें से कोई, इन चार ऑप्शन में एक ऑप्शन सही है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो एक लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।